नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की। बिजनौर की नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने रिकॉर्ड 1.5 लाख मतों से जीत हासिल की। चंद्रशेखर के जीत का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। काउंटिंग हॉल के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर जश्न मनाया। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद, नमस्कार। आगे देखें पूरी खबर विस्तार से। दरअसल मंगलवार को बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा सीट नगीना सुरक्षित और बिजनौर लोकसभा की काउंटिंग आज सुबह 8 बजे सेंट्रल वेयरहाउस में शुरू हुई थी। नगीना लोकसभा सीट पर शुरू से ही आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद लीड बने हुए थे और लगभग 1.5 लाख वोट से चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम कुमार को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। चंद्रशेखर आजाद की यह पहली जीत है। अब चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक बल गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद नेता बन चुके हैं और वह बसपा का विकल्प बनेंगे। चंद्रशेखर आजाद को बिजनौर के डीएम अंकित अग्रवाल ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं नगीना की महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया और जिसने मेरी आलोचना की मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। जिसने मुझे वोट दिया और जिन अधिकारियों ने फेयर मतगणना कराई मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सुबह से कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आया जिससे कि विवाद हो। मैं इसके लिए प्रशासन और कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी की हार के सवाल पर कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग समझदारी दिखाते तो परिणाम और बहुत बेहतर होते। एनडीए और इंडिया के साथ जाने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी के लोग तय करेंगे। जीता का श्रेय किसको देते हैं, इस सवाल के जवाब में कहा कि नगीना की जनता को जीत का पूरा श्रेय देता हूँ। चलो भैया कैमरा ऑन है। चंद्रशेखर जी, आपकी 1.5 लाख लगभग वोटों से जीत हुई है, जनता को क्या कहना चाहेंगे नगीना के? मैं नगीना की जनता का, नगीना की जो महान जनता है, नगीना की जो वो महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सबका, जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी का काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, जिन्होंने 24 घंटे 7 दिन यहाँ काम किया, एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं कहीं महीने ईद पर भी घर नहीं गए, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी अधिकारी कर्मचारियों का। बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई सुबह से, अब तक कोई एक ऐसा इशू नहीं आया जहाँ कोई बहस हुई है। बहुत फेयर तरीके से जो है, मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रशासन का और जिन कर्मचारियों ने चुनाव में ड्यूटियाँ की उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, सबका सहयोग है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मेरा नीला सलाम। बीजेपी की हार हुई है और भी जगह बुरी हार हुई है पश्चिम में, क्या कहना चाहेंगे? ये अगर इंडिया अलायंस के लोग समझदारी दिखाते तो परिणाम और बहुत बेहतर। अब मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये पार्टी के फैसले, पार्टी जो फैसले के उस पर खड़ा हूं, तो पार्टी के वर्कर का। जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जीत का सरा मैं सिर्फ और सिर्फ नगीना की जनता और यहाँ के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और देश भर से जो कार्यकर्ता हमारे जुटे थे उन माओ बहनों के आशीर्वाद को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत। आगे क्या रणनीति है आपकी? रणनीति अब रोज आपको काम करके दिखाएंगे। बिजनौर सामान लोकसभा सीट से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान ने इस सीट को जीतकर विजय प्राप्त की है। चंदन चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनके पिता की तरह एक बार फिर से वह यहां के सांसद चुने गए हैं। उन्होंने यहां की जनता का आभार व्यक्त करते हुए ये जीत मेरी नहीं बल्कि जनता की है और मैं बिजनौर क्षेत्र वासियों के लिए अब इस सीट पर एक बार फिर से बढ़ चढ़कर काम करूंगा और उनकी समस्याओं को संसद में रखने का काम करूंगा। चंदन चौहान ने समाजवादी के दीपक सैनी को लगभग 28,000 वोटों हराया है। बाइट चंदन चौहान, आरएलडी। कि दिन रात उनके बीच रह के, आप सबके बीच रह के, आपकी जो भी उम्मीदें आकांक्षाएं और जो भी क्षेत्र के विकास को लेके उम्मीदें हैं उनको मैं अपने पसीने से सींच के मेहनत करके पूरा करने का प्रयास करूं। ये इस वक्त अभी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में चल रहा है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? ये सवाल आपका मेरे ख्याल से
व्यवस्था के अनुसार नहीं है, ठीक नहीं है। जहाँ एनडीए गठबंधन के साथ आदरणीय जयंत चौधरी जी टिके रहे आगे तक, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा ने पूरी ताकत के साथ मिलकर, चाहे बागपत लोकसभा का रिजल्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और यहाँ जिम्मेदारी दी थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया और आगे भी इसी प्रकार से करेंगे।